इस वीडियो में हम लोग देखेंगे दो संख्याओं पर आधारित प्रश्न। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन कहता है दो संख्याओं का योग 8 है तथा उनका गुणनफल 15 है। दो संख्याओं का योग 8 है तथा उनका गुणनफल 15 है, उनके व्युत्क्रमों का योग ज्ञात कीजिए। तो इसके लिए हम सबसे पहले मान लेंगे, माना पहला संख्या बराबर x और दूसरा संख्या बराबर y। क्योंकि क्वेश्चन में दो संख्याओं का जिक्र कर रहा है तो इसीलिए हम पहला संख्या को x मान लिए और दूसरे संख्या को y मान लिए। अब प्रश्न से कहता है कि दो संख्याओं का योग 8 है। तो यहाँ हम दो संख्या, पहला संख्या को x माने हैं और दूसरा संख्या को y माने हैं। तो दो संख्याओं का योग कह रहा है, दो संख्याओं का योग, योग मतलब जोड़। तो दो संख्या, पहला संख्या x और दूसरा संख्या y, दोनों का योग अर्थात x जोड़ y बराबर 8। ये पहला संख्या x जोड़ दूसरा संख्या y बराबर 8। हम इसे समीकरण 1 मान लेते हैं। अब आगे क्वेश्चन में कहता है उनका गुणनफल 15 है। उनका मतलब वो दो संख्या, जिस दो संख्या के बारे में वो कह रहा है। तो उनका गुणनफल 15 है अर्थात x गुना y बराबर 15। अब हम इसे लिख सकते हैं x बराबर 15/y और इसे हम मान लेते हैं समीकरण 2। अब इस x का मान समीकरण 1 में रखने पर यहाँ में x बराबर 15/y, यहाँ पर हम y बराबर भी 15/x लिख सकते थे। इस समीकरण को x इंटू वाई बराबर 15 है, इसे हम y बराबर 15/x लिख सकते हैं, लेकिन हम यहाँ x बराबर 15/y माने हैं। तो यहाँ हम x का मान समीकरण 1 में रखेंगे। यदि हम y बराबर 15/x लिखते तो फिर हम y का मान समीकरण 1 में रखते हैं। तो यहाँ फिलहाल हम x बराबर 15/y से ही हल करेंगे। तो x का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 है x जोड़ y बराबर 8। अब हमें x का जो मान मिला वो 15/y जोड़ y बराबर 8। यहाँ बटा में 1 मान लेते हैं, यहाँ भी बटा में 1 मान लेते हैं। अब y और 1 का जो LCM हो जाएगा वो y हो जाएगा, और y से जब y में भाग देंगे तो हमें 1 मिलेगा, और 1 से 15 में गुणा करेंगे 15 हो जाएगा, जोड़ का चिन्ह है तो जोड़ का चिन्ह देंगे, फिर 1 से y में भाग देंगे तो y मिलेगा, और y से y में गुणा करें तो ये y स्क्वायर बराबर 8/1। अब हम इसे क्रॉस गुणा कर देते हैं, जब 1 से इसमें हम गुणा करेंगे तो इतना ही रह जाएगा, 15 जोड़ वाई स्क्वायर बराबर वाई से 8 में, तो ये हो जाएगा 8y। अब इसको हम द्विघात समीकरण के रूप में सजाएंगे। तो पहले वाई स्क्वायर प्लस में है, जब इसको हम LHS में लेके आएंगे तो माइनस में 8y हो जाएगा, और जोड़ 15 बराबर 0। यहाँ हमें एक द्विघात समीकरण मिल गया। अब हम इसे गुणनखंड विधि से हल करेंगे। तो यहाँ y का गुणांक 1 है, इस 1 से हम 15 में गुणा करेंगे तो 15 मिलेगा, और 15 से हमें 8 लाना है, तो 3 पचे 15 होता है, और -3 -5 बराबर -8 हो जाएगा। तो इसी का हम उपयोग करेंगे। तो अब हम लिखेंगे यहाँ y स्क्वायर, या माइनस में 3 तो -3y, -5 तो -5y जोड़ 15 बराबर 0। अब यहाँ भी y, y कॉमन करेंगे तो y -3 -5 कॉमन करेंगे तो y, प्लस से माइनस कॉमन तो माइनस, और ये 3 5 15 होगा, यहाँ भी 5 कॉमन कर लिए तो बचेगा 3 बराबर 0। अब ये y -3 और y -3 तो यहाँ y -3 और ये हो जाएगा y -5 बराबर 0। अब यहाँ से हम y का मान निकाल लेते हैं, तो y -3 बराबर 0 तो y बराबर हो जाएगा प्लस में 3, और y -5 बराबर 0 तो y बराबर प्लस में 5, अर्थात तो y का एक मान 3 हो गया और दूसरा मान 5 हो गया। अब हमें x का मान चाहिए, तो y का मान समीकरण 2 में रखने पर 2 में
रखने पर समीकरण दो ये एक्स बराबर 15 बटा वाई। जब हम वाई बराबर 3 लेते हैं तब हमें एक्स बराबर 15 बटा 3 तो 5 मिलेगा अर्थात एक्स बराबर 5। और जब एक्स बराबर 15 बटा वाई जब हम y का मान ये 5 लेंगे दूसरा मान तब हमें x बराबर 15 बटा 5 अर्थात ये 3 मिलेगा। जब हम y का मान 3 लिए तब हमें x का मान 5 मिला, जब हम y का मान 5 लिए तब हमें x का मान 3 मिला। अब क्वेश्चन में कहा कि उनके व्युत्क्रमों का योग ज्ञात कीजिए। उनके कौन ये मान लिए पहला संख्या, पहला संख्या जिसे हम x माने थे तो x का मान आ गया 5, दूसरा संख्या जिसे हम y माने हैं तो y बराबर आ गया 3। तो हमें यहाँ पहला संख्या 5 और दूसरा संख्या 3 मिल गया। अब कहता है उनके व्युत्क्रम अर्थात 1/x जोड़ 1/y इन्हीं संख्याओं का व्युत्क्रम, तो x का 1/x हो जाएगा, y का 1/y हो जाएगा, तो 1/x 5 हो जाएगा, 1/5 और ये 1/3, 3 5 का लघुत्तम 15 हो जाएगा, 5 से भाग दें 3 तो 3 लिखेंगे और 3 से भाग दें 5 आएगा अर्थात ये 8/15, ये हमारा आंसर हो गया। तो फ्रेंड्स यदि हमारा वीडियो पसंद आता है तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों से शेयर करना नहीं भूलेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।